नहीं थाना साहब देता सीओ दिया लिख के थाना को, थाना करना हम नहीं करेंगे, 20,000 रुपया हमको दीजिएगा तब तुम्हारा काम करेंगे, ना तो नहीं करेंगे काम। कौन पैसा मांग रहा है? विवेक भारती बड़ा बाबू वही मांगा पैसा। कौन थाना का? ये रिफंडी थाना को मांगा, रिफंडी थाना। हम बहुत परेशान है, सीओ साहब भी नहीं सुनवाई लेता है। सीओ साहब के बाद फिर गए कि थाना नहीं सुन रहा है। सर देखिए आप लिख के दिए थाना नहीं सुन रहा है, तो सीओ साहब क्या बोला कि हम क्या करें, हम तो लिख के देवे किए, तो जो करेगा थाना करेगा, हमारे बस के नहीं है। आप एस पी साहब पास जाइए, DM पास जाइए, हमारे बस के नहीं। मैंने बोले सर जमीन के चक्कर में हम मारे जाएंगे, आप कोई नहीं हमारे परवाह करते हैं, आप जमीन का मालिक हो। सब कहता कि सीओ साहब जमीन का मालिक होता, फैसला करता। सीओ साहब बोला हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो लिखना जो था हम लिख के दे दिए, आप तुम अपना काम करो, हमसे नहीं होगा। आपके साथ हुआ क्या? हमारे साथ, हमने सर मकान बना हुआ लिए हैं, बाउंड्री किया हुआ लिए हैं, हमारा जो है 5 फीट का गेट छुटा हुआ है और कुर्सी दिया हुआ, न तो हमको गेट लगाने देता है और ना तो कुर्सी मकान उठने देता है। घर का ताला तोड़ के, खिड़की से दरवाजा खोल के हमारे घर घुस जाता, मार पीट धंगार हमारे साथ करता। कौन करता है? राजा, मोहम्मद राजा, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद रकीम, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद असलम, ये सभी एक ही घर का आदमी है। हम परेशान हैं। ऑफिस में आवेदन दिए हैं कि नहीं? हम सर DM साहब का आवेदन दिए, हम DID साहब का आवेदन दिए, हम कमिश्नर साहब का आवेदन दिए, हम STO साहब का आवेदन दिए, हम SP साहब का आवेदन दिए, हम नीतीश कुमार का भी आवेदन दिए, सरकार के भी आवेदन दिए, 2 बार दिए सरकार के आवेदन, DM साहब कर दिए, 3-4 बार आवेदन दिए, STO साहब का 2 साल से आवेदन दे रहे हैं, और ये SP साहब का 4 बार दिए आवेदन, कमिश्नर साहब का 4 बार आवेदन दिए, कहीं से कोई हमको निदान नहीं निकला। हम परेशान हैं, हम यहाँ नहीं रहते, हमारा जमीन मकान कब्जा करने के चक्कर लगा दिया। मेरा घर बना हुआ है 1 मंजिल 2 मंजिल बना हुआ बिल्कुल, लेकिन हमको गेट लगाने से आ रहे हैं। SDO साहब के पास आ रहे हैं 2018 से 2016 से। हाँ आ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं मिला आज तक। SDO साहब भेजे हैं ये कर्मचारी रिपोर्ट, कर्मचारी ने बोला कि हमको 5,000 रुपया दीजिएगा तब जो हम तुमको सही रिपोर्ट देंगे, और नहीं तो तुमको उल्टा लिख लिख के रिपोर्ट देते रहेंगे। हमने बोले जो पहला कर्मचारी है जो हमारे जमीन को रसीद काटा है, दाखिल खारिज हुआ, मोटिशन हुआ है, वही यहाँ से हाँ होगा, वही यहाँ से ना नहीं हो सकता है। हम परेशान है, ये जो बलियाक है, ये मुसलमान जो है कर्मचारी, वो राजा को मेरे विपक्षी पार्टी को रिश्तेदार लगता है या क्या लगता है? उन्होंने हमसे 5,000 डिमांड किया, मैंने बोले हमारे पास 5,000 रुपया नहीं है, हमारे पास 500 रुपया है, अरे सही कागज है तो आप गलत भी लिख के दीजिएगा, तो आपको गलत कहने से गलत नहीं होगा। हमारा 100 साल पुराना मकान बना हुआ है, अब फिर नया मकान जो बनाए हैं उसको 18 साल हो गया बनने, आपको कहने से मेरा मकान गलत नहीं हो सकता। थाना क्या कह रहा? थाना कोई सुनवाई नहीं लेता, थाना जाते आवेदन उठा को फेंक देता है, थाना नहीं लेता है। सर मुखिया जी आता है नॉमिनेशन कराने के लिए नूरपुर पंचायत के, मुखिया क्या कहता है कि क्या करे, जा कोर्ट में फैसला लो, हम फैसला कैसे करेंगे, तुम्हारे गोतिया का मार खाएंगे, तो मेरे गोतिया से मार के इतना मन बरू है, 4 गो कुंजरा मुसलमान इतना मन बरू है। पति का क्या नाम? मेरा पति का नाम है मोहम्मद मुस्तफा। आपका क्या नाम? मेरा नाम है बेगम खातून। घर? घर नूरपुर है, महाना नूरपुर। ठीक, देखिए सीओ साहब आदेश दे चुका है, लेकिन जो हमको कहीं भी अन्याय नहीं मिल रहा, कहीं भी फैसला नहीं मिल रहा, हम किसी टाइम किसी वक्त हम मारे चले जाएंगे, मारे जाएंगे तब हमारे लाश उठाने के लिए SP साहब जाएगा, DSP साहब जाएगा, पूरा थाना जाएगा, जब मारे जाएंगे तब जाएगा, अभी कोई हमारे साथ नहीं दे रहा। 2 साल से हम परेशान हैं, 2 साल से अथी है।